हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार, फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज से हम शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, जिसमें हम चर्चा करेंगे अध्याय एक आर्थिक स्थिति एक समीक्षा पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए दो अनाउंसमेंट है। पहला ये कि सीजीपीएससी पाठशाला के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2022-23 का बुक लॉन्च कर दिया गया है, जो कि आपको आपके नजदीकी बुक डिपो में अवेलेबल हो जाएगा। वैसे तो ये जो बुक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सभी मेजर सिटी में हो चुका है, जैसे कि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़ और जगदलपुर में। बाकी बचे हुए जिलों के कुछ मुख्य बुक डिपो में डिस्ट्रीब्यूशन पर अभी बात चल रही है, वहां पर भी जल्द से जल्द अवेलेबल कराए जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी जितने ही मेजर सिटीज है वहां पर आपका बुक आपका अवेलेबल हो चुका है। तो किस जिले के कौन से बुक डिपो में बुक्स अवेलेबल है, उसका एक प्रॉपर लिस्ट बना करके इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में बुक डिपो के नाम, जिलों के नाम और उस बुक डिपो का कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में मिल जाएगा। वहां पे उन बुक डिपो में जाकर के आप पता कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा अनाउंसमेंट, सीजीपीएससी ई पाठशाला के द्वारा लास्ट ईयर के जैसे इस साल भी छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का स्पेशल बैच बनाया जा रहा है। ये बैच आपका शुरू होगा 15 मई से, ठीक है, जिसका रजिस्ट्रेशन आज से आपका शुरू हो गया है। सीजीपीएससी ई पाठशाला का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी को कवर कराया जाएगा। ठीक है, इसमें इंडियन जीएस इंक्लूड नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, यानी कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ जनजाति, छत्तीसगढ़ लोककला संस्कृति, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजना, ये सारा टॉपिक जो है आपका इस छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के स्पेशल बैच में कवर कराया जाएगा। बाकी इसका एक सेपरेट वीडियो बना करके अलग से और डाला जाएगा कि किस प्रकार से वीडियो लेक्चर्स आएंगे, किस प्रकार से आप उस वीडियो लेक्चर्स को ऑफलाइन डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं, इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, कौन कौन से टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे, इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके यूट्यूब में डाला जाएगा। इस पर हम और भी ज्यादा डिटेल में इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन आज से ओपन हो रहा है। 15 मई लास्ट डेट है, 15 मई से आपका ये बैच शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन बैच। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जो सारी जानकारी है ये आपको सीजीपीएससी ई पाठशाला के मोबाइल ऐप के स्टोर सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, जिसका पहला अध्याय है आपका अध्याय एक आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। ठीक, देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर स्थिर कीमतों पर, जनरली जो है जितने भी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली आपका स्थिर कीमतों पर पूछा जाता है। जब कभी भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको दो वर्ड बार बार सुनने के लिए मिलेगा, एक है आपका स्थिर कीमत और दूसरा है आपका प्रचलित कीमत। ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे, बाकी इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे विथ एग्जाम्पल आपके अध्याय तीन और अध्याय पांच में। ठीक है, अभी डेफिनेशन सुन करके रख लीजिए। दो ईयर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपका ईयर है आपका 2011-12 और एक ईयर अभी वर्तमान का समझ लीजिए 2022-23। ठीक है, अब देखिए स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत क्या होता है। किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों पर किया जाता है, तो यह स्थिर कीमतों पर आपका गणना कहलाता है। जबकि किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर किया जाता है, तो यह प्रचलित कीमतों पर कैलकुलेशन कहलाता है। ठीक है, वैसे तो अभी जो चालू वित्तीय वर्ष है, अभी पिछला जो बीता, आपको जो आर्थिक सर्वेक्षण में आंकड़ा पढ़ने के लिए मिलेगा वो जनरली आपको 2021-22 और 2020-21 का आंकड़ा पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे हम चालू वित्तीय वर्ष बोले, 1 अप्रैल से आपका 2022-23 ये चालू वित्तीय वर्ष आपका शुरू हो चुका है। ठीक, तो ये होता है स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत में अंतर क्या चीज का रहता है, महंगाई का, यानी कि वर्ष 2011-12 में जो वस्तु की कीमत रही होगी वो काफी गुना बढ़ गई होगी आपके 2022-23 में, यानी कि बढ़ी क्या है, महंगाई। ठीक है, क्या बढ़ी है, महंगाई। महंगाई के कारण जो है इनकी कीमतों पर डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो स्थिर कीमत किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों पर किया जाए तो यह स्थिर कीमत पर आपका मौद्रिक मूल्य की गणना कहलाएगी। जबकि किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर किया जाए तो यह आपका प्रचलित कीमत पर मौद्रिक मूल्य या प्रचलित कीमत पर कैलकुलेशन कहलाता है। दोनों में अंतर क्या रहता है, महंगाई का। ठीक है, अब देखिए
ध्यान समझिएगा, जनरली एग्जाम में जो है आपका स्थिर कीमतों के ही आंकड़े पूछे जाते हैं। अगर आपसे कोई मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन पूछ दिया और उसमें मेंशन नहीं है कि स्थिर कीमत पर पूछ रहा है कि प्रचलित कीमत पर पूछ रहा है, तो आपको आंख मूंद करके आंसर लेना है स्थिर कीमतों पर। जनरली एग्जाम में स्थिर कीमतों के ही आंकड़े पूछते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर, ठीक है, यानी कि ग्रोथ रेट, वर्ष 2020-21 में भारत का जो विकास दर है वो रहा आपका ऋणात्मक, ठीक है, निगेटिव में रहा। उसका कारण क्या था? जो कोरोना में जो आपका लॉकडाउन रहा, ठीक है, COVID-19 का आपका टाइम पीरियड था, जहां पर जो है आपका सारा चीज पूरा भारत रुक सा गया था, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन का सिचुएशन था। इस कारण से भारतीय जो आपका अर्थव्यवस्था का जो विकास दर है 2020-21 में ऋणात्मक रहा, -7.3%, -7.3%। ठीक, अगर हम वर्ष 2021-22 की बात करें तो 2021-22 में भारत का जो आपका विकास दर है वो रहा आपका 9.2%, 9.2%। ठीक है, तो एग्जाम में क्या पूछ रहा है, कौन सा वर्ष पूछ रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान देते हुए आप अपना आंसर सेलेक्ट करेंगे। अगर 2021 की बात किया जाए तो 2021 पूरा लॉकडाउन का टाइम पीरियड था, निगेटिव में था आपका ग्रोथ रेट, कितना था, -7.3%, -7.3%। अगर 21-22 की बात किया जाए तो इस समय था आपका 9.2%। ठीक, अब देखिए, इस पहला अध्याय में आपके छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 के आंकड़ों को मेंशन किया गया है। वैसे तो आपका 2021 जा चुका है, हमारे देश में जो आपकी जनगणना है ये दार्शनिक आधार पर होती है, 2021 में अगला जनगणना का जो आपका डाटा है, जो रिपोर्ट है, वो आ जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना का टाइम पीरियड था, सारे सर्वे रुके हुए थे, इस कारण से अभी जनगणना 2021 के आंकड़े अभी फिलहाल आए नहीं है। ठीक है, तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण में आपके जनगणना 2011 के आंकड़े मेंशन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जिसको आपको याद रखने हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो है आपके 2.55 करोड़, यानी कि 2,55,00,000 आबादी है हमारे छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की आबादी कितनी है, 2,55,00,000। इस 2,55,00,000 आबादी के साथ ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ये भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती है। भारत की कुल आबादी का 2.11% आबादी कहां निवास करती है, हमारे छत्तीसगढ़ में। और इस 2,55,00,000 आबादी के साथ हमारा छत्तीसगढ़ जो है भारत में 16वें स्थान पर है। ठीक है, इस आपको 2.55 करोड़ आबादी के साथ हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो भारत में 16वें स्थान पर है आबादी के मामले में। ठीक है, जनसंख्या के मामले में भारत की कुल आबादी का 2.11% आबादी हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती है। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका लिंगानुपात, सकल लिंगानुपात। अभी लिंगानुपात होता क्या समझिएगा, लिंगानुपात का मतलब होता है आपका सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो। अभी सेक्स रेशियो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रति हजार लड़कों की तुलना में, प्रति हजार लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या, यह कहलाता है आपका सेक्स रेशियो या फिर आपका लिंगानुपात। 1,000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कितनी रही, या फिर आपका 1,000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी रही, यह कहलाता है आपका लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो। सकल लिंगानुपात यानी कि कुल लिंगानुपात छत्तीसगढ़ का रहा आपका 991। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो कुल लिंगानुपात है वो है आपका 991, यानी कि छत्तीसगढ़ में 1,000 लड़कों की तुलना में 991 लड़कियां हैं। ठीक है, या 1,000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की या महिलाओं की संख्या कितनी है, 991। ठीक, अब देखिए, अभी जो लिंगानुपात है इसे और भी आगे क्लासिफाइड किया गया है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात, शहरी क्षेत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इससे भी सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्र का जो आपका लिंगानुपात है छत्तीसगढ़ में वो है आपका 1001। शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र से कम है, कितना है, 956, 956। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, इसका आपका लिंगानुपात कितना है, 994। अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब ST, इसका लिंगानुपात कितना है, 1020। इंपॉर्टेंट है, सेपरेट याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सकल लिंगानुपात या कुल लिंगानुपात कितना है, 991। ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात 1001, शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 956, अनुसूचित जाति यानी कि ST का लिंगानुपात है 994, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है 1020। इंपॉर्टेंट है, सेपरेट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब अगला ध्यान दीजिए, नेक्स्ट, सकल लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ जो है भारत संघ में 5वें स्थान पर है, यानी कि इस 991
इस सेक्स रेशियो के साथ या इस सकल लिंगानुपात के साथ, 991 सकल लिंगानुपात के साथ हमारा जो आपका छत्तीसगढ़ है वो भारत में पांचवें स्थान पर है लिंगानुपात के मामले में, जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मृत्यु दर। एक है आपका मातृ मृत्यु दर और दूसरा है आपका शिशु मृत्यु दर। ये जो आपका आंकड़े जारी किया जाता है ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जो आपकी रिपोर्ट है उसके डाटा यहां पर मेंशन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मातृ मृत्यु दर क्या होता है और शिशु मृत्यु दर क्या होता है इसका पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो आपका मातृ मृत्यु दर है इसकी गणना प्रति लाख में हो रही है, जबकि जो शिशु मृत्यु दर है इसकी गणना होती है आपके प्रति हजार में। अभी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर ये होता क्या है इसे समझिएगा। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर प्रसव के दौरान, यानी कि जो आपकी गर्भवती माताएं हैं वो बच्चे को जन्म देते समय, प्रसव के दौरान यानी कि डिलीवरी के समय, प्रसव के दौरान प्रति लाख माताओं में मृत माताओं की संख्या मातृ मृत्यु दर या मातृ मृत्यु अनुपात में काउंट होती है। ठीक है, प्रति लाख माताओं में प्रसव के दौरान, यानी कि गर्भवती महिलाएं जब बच्चे को जन्म दे रही होती है तो प्रसव के दौरान प्रति लाख माताओं में मृत माताओं की संख्या मातृ मृत्यु दर या मातृ मृत्यु अनुपात में काउंट होती है। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपका मातृ मृत्यु दर है ये आपका SRS रिपोर्ट यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट जो है इसके 2016-18 के आंकड़े, दो साल के आंकड़े हैं, 2016-18 के आंकड़ों के अनुसार ये आपके आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मार्च 2022 में इसका नया डाटा पब्लिश हो चुका है जिस पर भी हम चर्चा करेंगे लास्ट में। ठीक है, देखिए, मातृ मृत्यु दर, भारत का जो मातृ मृत्यु दर है या भारत का जो मातृ मृत्यु अनुपात है वो 2016-18 के लिए है 113 प्रति लाख, जबकि छत्तीसगढ़ का है आपका 159 प्रति लाख। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो है प्रसव के दौरान प्रति लाख माताओं में 159 माताओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका शिशु मृत्यु दर। अब शिशु मृत्यु दर क्या होता है, प्रति लाख जीवित जन्म शिशुओं में से मृत शिशुओं की संख्या, सॉरी प्रति लाख नहीं प्रति हजार, प्रति हजार जीवित जन्म शिशुओं में से मृत शिशुओं की संख्या ये शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट होती है। यानी कि जो बच्चे जन्म लिए, 1000 जीवित जन्म शिशुओं में से जो शिशु मर गए उनकी संख्या आपके शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट होती है। ठीक है, ये आंकड़ा है आपका वर्ष 2019 का आंकड़ा है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, प्रति हजार जीवित जन्म शिशुओं में से मृत शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में जो शिशु मृत्यु दर है वो है आपका 30 प्रति हजार। भारत का शिशु मृत्यु दर कितना है, 30 प्रति हजार, जबकि छत्तीसगढ़ का शिशु मृत्यु दर कितना है, 40 प्रति हजार। ठीक है, दोनों आंकड़े को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, अगर हम बात करें शिशु मृत्यु दर भारत का कितना है, भारत का जो शिशु मृत्यु दर है वो है आपका 30 प्रति हजार, जबकि छत्तीसगढ़ का शिशु मृत्यु दर है आपका 40 प्रति हजार। ध्यान दीजिए, ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट जो मातृ मृत्यु दर है ये है आपका 2016-18 का, जबकि शिशु मृत्यु दर है ये है आपका 2019 का। ठीक है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य या फिर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य 2030। अब ध्यान दीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है ये अवधारणा आपका संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया गया, जिसमें पूरे दुनिया के जो अलग अलग देश है उनके लिए 17 आपके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, 17 लक्ष्य, जैसे कि गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ऐसे अलग अलग जो है आपके टोटल 17 सूचकांक, 17 इंडेक्स तैयार किए गए। वैसे उसी के तर्ज पर हमारे जो नीति आयोग है, नीति आयोग के द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों के लिए भी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो उस लक्ष्य को जो पूरा करने का जो टारगेट रखा गया है वो है आपके 2030 तक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर इस सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 100 से कम लाने का टारगेट रखा गया है, जबकि जो शिशु मृत्यु दर है यह आपके वर्ष 2030 तक 15 लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को भी याद रखिएगा, इस लक्ष्य से भी प्रश्न बन सकता है, अभी तक प्रश्न बना नहीं है लेकिन इस ओर जो है अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, गर्भवती माताओं का प्रसव वर्ष 2019-21, अभी जैसे कि आपका जो स्वास्थ्य वाला टॉपिक है आपका अध्याय 13-14 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं वाला टॉपिक है आपका, राष्ट्रीय
परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट 2005 पब्लिश हो चुका है, ठीक है, ये आंकड़े उसी के हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जिसमें आपको आंकड़ा पढ़ने मिलेगा 2019-21 का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, गर्भवती माताओं का प्रसव वर्ष 2019-21। अब ये क्या है, देखिए हमारे जो आपके भारत है, भारत में जो आपका महिलाएं जो है, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो दो तरीके से प्रसव कराती है, एक है आपके परंपरागत प्रसव और दूसरा होता है संस्थागत प्रसव। हमारे देश में मातृ मृत्यु दर सर्वाधिक होने का कारण क्या है हमारे प्रदेश में, वो होता है संस्थागत प्रसव के स्थान पर परंपरागत प्रसव। अब दो वर्ड आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा, एक है संस्थागत और दूसरा है परंपरागत। परंपरागत यानी कि जो गर्भवती महिलाएं जो घरों में दाई माए के जो आपके सहारे घरों में ही डिलीवरी करवाती है, वो कहलाता है परंपरागत प्रसव, यानी कि घरों में बिना किसी चिकित्सा की सुविधा में के घरों में ही अगर बच्चे को जन्म देती है कोई गर्भवती महिला, तो वो परंपरागत पद्धति कहलाती है। संस्थागत का मतलब अगर कोई आपकी गर्भवती महिलाएं किसी आपके निजी या शासकीय अस्पताल में जाकर के चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ अगर बच्चों को जन्म देती है तो यह संस्थागत प्रसव कहलाता है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 यानी कि 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार शासकीय अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं का जो प्रसव का जो प्रतिशत है वो रहा 70%, यानी कि 70%, जबकि संस्थागत प्रसव की बात किया जाए, संस्थागत प्रसव का मतलब शासकीय यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, संस्थागत जिसमें आपका शासकीय यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट ये दोनों हॉस्पिटल काउंट होता है, ठीक है, अगर हम संस्थागत की बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों काउंट होगा, तो ये परसेंटेज रहा आपका 85.7%, ठीक है, कितना रहा 85.7%। अब देखिए अगर हम पिछले रिपोर्ट की बात करें, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4, अभी क्या आ गया है 5, अगर पिछले रिपोर्ट की बात करें तो पिछले रिपोर्ट में शासकीय अस्पतालों में जो आपकी गर्भवती महिलाओं का जो प्रसव का जो परसेंटेज था वो था 55.9 और संस्थागत प्रसव का जो परसेंटेज था वो था आपका 70.2%। अगर आप देखेंगे तो ये 55.9 से बढ़ करके कितना हो गया है, ये हो गया 70%, और संस्थागत प्रसव 70.2% से बढ़कर कितना हो गया है आपका 85.7%, यानी कि जो आपका नया रिपोर्ट आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट जो 5 आया है उसके अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में आपके शासकीय अस्पतालों में प्रसव या संस्थागत प्रसव के प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आंकड़े को आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब है आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में क्षेत्रावार प्रतिशत वृद्धि। क्षेत्रावार का मतलब कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, क्षेत्रावार प्रतिशत वृद्धि स्थिर कीमतों पर, यहां पर ध्यान दीजिएगा स्थिर कीमतों की बात हो रही है। अब देखिए यहां पे जो क्षेत्रावार जो बात हो रही है आपका कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ठीक है, तो यह है आपका क्षेत्रावार। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, अनुमानित प्रतिशत वृद्धि 2021-22, ठीक है, अनुमानित प्रतिशत वृद्धि 2021-22 विगत 10 वर्षों की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 2012-13 से लेकर के 2021-22 विगत 10 वर्षों का एवरेज औसत वृद्धि, और यहां पर हम देखेंगे विगत 6 वर्षों में कुछ प्रमुख बातें, ठीक है, विगत 6 वर्षों की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर 2016-17 से लेकर के 2021-22 की बात की जा रही है, ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कृषि क्षेत्र में सबसे पहले हम आपका 2021-22 की बात कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर 2021-22 में अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई आपकी 3.88%, उद्योग क्षेत्र में 2021-22 में स्थिर कीमतों पर अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई आपका 15.44%, जबकि आपका सेवा क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर 2021-22 में आपकी अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई 8.54%, ठीक है, ये क्षेत्रवार हो गया। अब पूरी की बात करें यानी कि कुल जीडीपी की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में आपके 2021-22 में प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई 11.54%, और इसे याद रखिएगा इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में आपका 21-22 कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में आपका 21-22 में कितनी वृद्धि दर्ज की गई 3.88, ठीक है, उद्योग में 15.44, सेवा क्षेत्र में 8.54, और आपका जीएसडीपी यानी कि जो छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर यानी कि छत्तीसगढ़ का विकास दर की बात करें, जीएसडीपी का मतलब छत्तीसगढ़ का विकास दर, छत्तीसगढ़ के विकास दर की बात करें तो वो रहा आपका 11.54%, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसे याद रखना है। अब देखिए
अब देखिए यहां पर आपके विगत 10 वर्षों में औसत वृद्धि यानी कि एवरेज आपके इंक्रीमेंट प्रतिशत वृद्धि की बात हो रही है विगत 10 वर्षों में यानी कि 2012-13 से लेकर के 2021-22 तक, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कृषि क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में औसत वृद्धि हुई आपकी 5.09%, ठीक है। कृषि क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर विगत 10 वर्षों में यानी कि 2012-13 से लेकर के 2021-22 के बीच एवरेज इंक्रीमेंट यानी कि एवरेज परसेंट इंक्रीमेंट औसत प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई 5.09%, जबकि उद्योग क्षेत्र में आपका विगत 10 वर्षों में 2012-13 से लेकर के 2021-22 के बीच वृद्धि दर्ज की गई 6.56%, जबकि सेवा क्षेत्र में विगत 10 वर्षों में औसत वृद्धि 2012-13 से लेकर के 2021-22 के बीच दर्ज की गई 5.04%, और अगर हम बात करें जीएसडीपी की तो जीएसडीपी में विगत 10 वर्षों में औसत वृद्धि दर्ज की गई है आपका 5.92%। ये औसत वृद्धि को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब तक तो प्रश्न बना नहीं लेकिन प्रश्न पूछ सकता है और कथन आधारित प्रश्नों में ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब विगत 6 वर्षों की बात करें, विगत 6 वर्षों का मतलब 2016-17 से लेकर के 2021-22 के बीच, अगर हम बात करें 2016-17 से लेकर 2021-22 के बीच में छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि, कृषि क्षेत्र में विगत 6 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई, तो वो है आपका 2016-17। इस समय आपका कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर थी आपकी 21.28%, 21.28%। इसका कारण था कि इस वर्ष फसल जो है काफी अच्छी रही। देखिए अभी प्रेजेंट ईयर की बात करें यानी कि जो आपका 2021-22 की बात करें तो ये कितना 3.88, और ये बात हो रही है 21.28% की, काफी ज्यादा है, ठीक है। कथन आधारित प्रश्न पूछा था आपके इस सर्वाधिक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि से इस साल के पीएससी में, ठीक है। वो ईयर सही मेंशन किया था, ऋणात्मक वृद्धि वो भी सही बताया था लेकिन उसका कारण गलत था, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किया गया आपका 2017-18 में, जिस समय आपका इस 2017-18 में आपका वृद्धि दर था ऋण 10.90%, ठीक है। उत्पादन में कमी के कारण यह ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, उस साल हमारे प्रदेश में उत्पादन में कमी हुई थी। सर्वाधिक वृद्धि का कारण था अच्छी फसल, ऋणात्मक वृद्धि का कारण था उत्पादन में कमी, कितना था -10.90%, ठीक है। कारण उत्पादन में कमी, वर्ष भी याद रखने में दिक्कत नहीं होगा, लाइन से है 2016-17, 17-18 याद भी हो जाएगा ये भी, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पर उद्योग क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई 2018-19 में 16.29% की वृद्धि दर्ज की गई विगत 6 वर्षों में। अगर ऋणात्मक वृद्धि की बात करें, यह है आपके वर्ष 2020-21 में, यह दर्ज किया गया आपका -3.89%। इसका कारण क्या था, यह था आपके कोरोना के कारण लॉकडाउन, ठीक है। कोविड-19 का टाइम पीरियड था, हर तरफ लॉकडाउन था, सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर ढप पड़े हुए थे, जिस कारण से जो है आपका ऋणात्मक वृद्धि या आपका दर्ज हुई इस उद्योग क्षेत्र में। सर्वाधिक वृद्धि कितनी रही आपका 2018-19 में 16.29%, ऋणात्मक वृद्धि 2020-21 में -3.89%, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में अगर विगत 6 वर्षों में हम बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई आपका 2021-22 में, कितना 8.54%, यही है आपका सर्वाधिक वृद्धि, जबकि ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई आपका 2020-21 में -0.61%। कारण क्या था, कोरोना लॉकडाउन। अगर आप ध्यान देंगे तो आपका यहां पर ऋणात्मक वृद्धि उद्योग क्षेत्र का ये भी 2021 रहा और सेवा क्षेत्र का भी 2021 है, कारण क्या था, कोरोना लॉकडाउन, ठीक। अगर हम जीएसडीपी की बात करें, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें, तो सर्वाधिक वृद्धि यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी इससे पहले हम विगत 6 वर्षों की बात कर रहे थे, यहां पर हम बात कर रहे हैं विगत 9 वर्षों की। विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि जो है ये दर्ज की गई 2016-17 में, यह था आपका 12.13%, जबकि ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई आपके 2020-21 में, वही आपके कोरोना लॉकडाउन के कारण, -1.37%। तो इतने को याद रखिएगा, यहां पर होता है आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का अध्याय एक, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा खत्म। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही, मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका मातृ मृत्यु दर है
यानी कि ये वाला MMR मातृ मृत्यु दर, ये रिपोर्ट कहाँ का है? ये रिपोर्ट है 2016-17 का। अभी नया रिपोर्ट आ चुका है आपके मार्च 2022 में। ये आपको हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के बुक में नहीं मिला है क्योंकि ऑलरेडी आपका बुक टाइप हो चुका था, उसके बाद ये रिपोर्ट आया। तो ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा बुक में भी। मातृ मृत्यु अनुपात या मातृ मृत्यु दर, ये अपडेट है 2017-19 का। हम 2016-18 का रिपोर्ट हमने पढ़ा, यह है 2017-19 का। देखिए ये जो रिपोर्ट आया, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ये मातृ मृत्यु दर का डेफिनेशन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गर्भवती होने पर या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से हुई किसी महिला की मृत्यु मातृ मृत्यु में शामिल किया जाता है। ठीक है, मातृ मृत्यु क्या होता है ध्यान दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गर्भवती होने पर या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से किसी महिला की मृत्यु को मातृ मृत्यु दर में शामिल किया जाता है। अब देखिए, प्रति 1,00,000 जीवित बच्चों के जन्म होने बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृ मृत्यु दर कहते हैं। देखिए यहां पे डेफिनेशन बताया गया है। पहला चीज तो ये, प्रति एक लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृ मृत्यु दर कहते हैं। ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गया, कंडीशन भी यहां पे बता दिया है। तीसरा, भारत में मातृ मृत्यु दर में 10 अंक की गिरावट दर्ज की गई। जैसे कि अभी हमने पिछला रिपोर्ट देखा था, रिपोर्ट 2016-18, जिसमें भारत का जो मातृ मृत्यु दर था वो था 113, ये इसमें 10 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि नए रिपोर्ट में 2017-19 में भारत में जो मातृ मृत्यु दर है वो है आपका 103, यानी कि 113 से घटकर कितना हुआ, 103, यानी कि 10 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। कथन आधारित प्रश्न पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसी साल आया है ये रिपोर्ट। ठीक, इसमें जो है आपके 8.8% की 10 अंक की गिरावट दर्ज की गई। अगर परसेंटेज पूछा जाए तो 8.8% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक, देश में मातृ मृत्यु दर वर्ष 2014-16 में 130 था, 2015-17 में 122, 2016-18 में 113 और 2017-19 यानी लेटेस्ट में है आपका 103। 103 उत्तरोत्तर कमी देखी गई। अगर आप देखेंगे तो 130 से 122, 122 से 113, 113 से जो है 103, यानी कि लगातार भारत के मातृ मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, मातृ मृत्यु दर, यहां पर आपका मैप दिखाया गया है जिसमें जो आपका जो रेड कलर है ये बता रहा है वेरी हाई, यानी कि एकदम जो मातृ मृत्यु दर सर्वाधिक वेरी हाई कंडीशन, यानी कि जहां ऐसे राज्य जहां पर मातृ मृत्यु दर 130 से अधिक है, मातृ मृत्यु दर 130 से अधिक है। जबकि सेकेंड नंबर पर येलो कलर जो है ये बता रहा है हाई, जहां पर ऐसे राज्य जहां पर मातृ मृत्यु दर आपके 100 से 130 के बीच में है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डार्क ब्लू, जो कि आपका लो, यानी कि मातृ मृत्यु दर कम है, मातृ मृत्यु दर जहां पर 71 से 100 के बीच में है। और चौथा है आपका लाइट ब्लू या स्काई ब्लू, ये जो है जहां ऐसे राज्य जहां पर मातृ मृत्यु दर 70 से कम है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखेंगे तो सात राज्य ऐसे हैं जहां पर मातृ मृत्यु दर एकदम गंभीर स्थिति में है, जिसमें से हमारा छत्तीसगढ़ भी एक है। छत्तीसगढ़ एक, मध्य प्रदेश दो, राजस्थान तीन, यहां पर आपका उत्तर प्रदेश चार, यहां पर बिहार पांच, और आपका इधर असम 6 और उड़ीसा 7। ये 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर मातृ मृत्यु दर 130 से भी ज्यादा है। ठीक है, मातृ मृत्यु दर 130 से भी ज्यादा है। अगर हम हाई कंडीशन की बात करें तो जहां पर 100 से लेकर के 103 की बात करें तो यहां पर देखिए, ये जो आपके येलो कलर में जो दिया गया है मात्र 3 राज्य है। उसके बाद अगर सबसे कम बात करें तो सबसे कम में आपके दक्षिण भारत के राज्य आ रहे हैं। ठीक है, दक्षिण भारत के राज्य कहां कहां पर कितना कितना है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ जो है यहां पर मातृ मृत्यु दर 130 से अधिक है। अब देखिए, यहां पर रैंक दिया गया है, यहां पर जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आया है हमारे लिए, ये वाला रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, 2017-19, ये पिछले दो बार की रिपोर्ट है लेकिन हमको याद रखना अब ये वाला रिपोर्ट। ठीक है, अब देखिए, इस बार जो आपका मातृ मृत्यु दर का जो रिपोर्ट आया है तो सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर जो दर्ज किया गया है ये किया गया है असम में।
असम में सर्वाधिक मात्र मृत्यु दर है। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका रिपोर्ट आया है ये 19 बड़े राज्यों का है, इसमें छोटे राज्य शामिल नहीं है, 19 बड़े राज्यों का है। 19 बड़े राज्यों में असम पहले नंबर पर है जहां पर मातृ मृत्यु दर सर्वाधिक है, सेकेंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पर है मध्य प्रदेश और हमारा छत्तीसगढ़ है चौथे स्थान पर। ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ में जो मातृ मृत्यु दर है वो है 160, ठीक है। भारत का मातृ मृत्यु दर कितना है 103, यहां पर छत्तीसगढ़ में कितना है 160, ठीक है, ध्यान दीजिए कितना ज्यादा है। उसके बाद राजस्थान में 141, उड़ीसा में 136, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए भारत के किस राज्य में मातृ मृत्यु दर सबसे कम है, तो वो है आपका केरल। केरल जहां पर प्रति लाख माताओं में आपका मात्र 30 माताओं की मृत्यु होती है बच्चों के जन्म के दौरान, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा किस राज्य की स्थिति सबसे अच्छी है, तो वो है केरल। केरल के बाद सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पर है तेलंगाना, फोर्थ नंबर पर है आपका तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, दोनों में 58-58 है। तो ध्यान दीजिएगा मातृ मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य की है, केरल की। सबसे अधिक किस राज्य की है, आपके असम की, ठीक है। हो सकता है कि रैंकिंग उल्टा ही पूछे, ये तो मैं सर्वाधिक से न्यूनतम की ओर बढ़ रहा हूं। अगर हम बोलेंगे अच्छी स्थिति की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर केरल, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर तेलंगाना और सबसे लास्ट में 19वें नंबर पर आएगा आपका असम, ठीक है। यह भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे कितने राज्य है जिसका मातृ मृत्यु दर भारत के मातृ मृत्यु दर सर्वाधिक है। भारत का मातृ मृत्यु दर कितना है 103, तो 103 से अधिक कौन कौन से है, ध्यान दीजिएगा। देखिए उत्तराखंड के पहले के सभी, ये आपका 101 है, यानी कि आपका असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तो टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जिसका मातृ मृत्यु दर भारत के मातृ मृत्यु दर से सर्वाधिक है, ठीक है। एक प्रश्न और ध्यान दीजिएगा, कथन आधारित प्रश्न बन सकता है। रिपोर्ट की अगर हम बात करें 2015-17, 2016-18 और 2017-19, तो अगर आप देखेंगे इस रिपोर्ट में तो छत्तीसगढ़ का जो आपका मातृ मृत्यु दर है इसमें वृद्धि हुई है, कमी नहीं हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। 2015-17 में 141 था, उसके बाद जो है 16-18 में बढ़ करके 159 हो गया। अब जैसे कि अभी हमने लास्ट जो है पढ़ा था 2016-18 में कितना था 159, ठीक है, और अब जो है जो नया रिपोर्ट आया है उसमें +1 एक और बढ़ करके हो गया 160, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के मातृ मृत्यु दर में पिछले रिपोर्ट की तुलना में वृद्धि दर्ज हुई है, ठीक है, एक अंक की वृद्धि दर्ज हुई है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा अलग से याद रखिएगा, ये नया रिपोर्ट आया है, आर्थिक सर्वेक्षण में रिपोर्ट मेंशन नहीं है, ये थोड़ा सा डेफिनेशन को लिख करके, इस मैप को थोड़ा सा समझ करके, ये डेफिनेशन को लिख करके थोड़ा सा रैंकिंग को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये कौन कौन से राज्य है सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर, असम में है 19 बड़े राज्यों में, सबसे कम है आपके केरल में, भारत का है आपका 103 जिसमें 8.8% की गिरावट दर्ज की गई है, इसमें जो है 113 से 10 अंक की कमी दर्ज की गई है आपके मातृ मृत्यु दर में भारत के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, किसी भी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।